हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 3 चल रहा है अभी, 3.6 एक्सरसाइज का फिफ्थ सम है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें हमें ये दो इक्वेशन दी हुई है, इसमें एक्स वाई नीचे दिया हुआ है। हमने क्या करना है, यहाँ पर 7x को एक्स वाई से डिवाइड करना है, माइनस 2y को भी एक्स वाई से डिवाइड करना है, और इजिकल टू 5/xy। ये 5 के साथ एक्स वाई लग जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। और दूसरा आ गया 8x ओवर एक्स वाई प्लस 7y ओवर एक्स वाई इजिकल टू 15xy ओवर एक्स वाई, ठीक है। आ गया एक्स एक्स कट के आ गया 7/y माइनस 2/x इजिकल टू 5। और दूसरी इक्वेशन आ गई एक्स एक्स कट के आ गया 8/y प्लस 7/x इजिकल टू 15। उसके बाद हम वैसे ही करना है, अब 1/y ओरे है आगे है, तो 1/y इजिकल टू a और 1/x इजिकल टू b, तो आ गया 7a माइनस 2b। अब वाई इजिकल टू ए पुट किया, ये याद रखना है आपको, ठीक है। या चलो इसको b पुट कर लो, इसको a पुट कर लो, तो आ गया आपका 7b माइनस 2a इजिकल टू 5 और 8b प्लस 7a इजिकल टू आ गया 15। तो b 7 है, यहाँ पर 8 है, तो इसको 8 से कर दो, इसको 7 से कर दो, तो इसका मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया 56b माइनस 16a इजिकल टू 40, और इसका लिख दिया 56b प्लस 49a इजिकल टू 105। ये कट गया, ये माइनस हो गया, तो दोनों माइनस है, तो ये बन गया 65a माइनस का इजिकल टू, इसमें से ये कर किया तो भी 65 ही आया, माइनस का कट गया, a इजिकल टू आ गया 1, ठीक है। तो इसमें से 7b माइनस 2a इजिकल टू 5, 7b माइनस 2a की वैल्यू 1 है इजिकल टू 5, 7b इजिकल टू 5 प्लस 2 7 आ गया, तो b की वैल्यू भी 1 आ गई। तो हमारा ये वाला जो लिखा था 1/y इजिकल टू b 1/x इजिकल टू a, तो a और b की वैल्यू 1 आती है, तो हमारी x और y की वैल्यू भी 1 आएगी। Therefore, x इजिकल टू 1 एंड y इजिकल टू 1। ये हमने फिफ्थ सम कर लिया एक्सरसाइज 3.6 का। ओके, थैंक यू।